साइकोलॉजी के अनुसार ज्यादातर लोग अपने जैसे ही दिखने वाले लोगों के साथ संभोग करना पसंद करते हैं, मतलब उनका पार्टनर भी उन्हीं की तरह अट्रैक्टिव होना चाहिए। आजकल की अगर बात की जाए तो लोगों में सच्चा प्यार नहीं बल्कि सिर्फ हवस मिटाने के लिए प्यार किया जाता है। एक रिसर्च के अनुसार यह बात सामने आई है कि पूरी दुनिया में हर दिन करीब 30 लाख लोग अपने पार्टनर के साथ डेट पर जाते हैं। जब इंसान को किसी से धोखा मिलता है तब वह इंसान सब कुछ सीख जाता है जो उसने पूरी लाइफ में कभी नहीं सीखा हो। साइकोलॉजी के अनुसार जब किसी महिला को शारीरिक संबंध बनाना होता है तो बहुत तेज सांस लेकर यह बताने की कोशिश करती है कि वह आपके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहती है। साइकोलॉजी के अनुसार जो महिलाएं शारीरिक संबंध बनाने की ज्यादा शौकीन होती है वह महिला किसी भी मर्द को अपने जाल में फंसा लेती है। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार ब्रेकअप से बाहर निकलना नशे की लत से बाहर निकलने के समान ही होता है। साइकोलॉजी के अनुसार चाहे आप कितने भी गहरे दर्द में क्यों ना हो लेकिन अगर आप अपने प्रेमी की फोटो भी देख लेते हैं तो आपका दर्द कम हो जाता है। जो महिला किसी पुरुष के पीठ पीछे उसे धोखा दे रही है तो वह कभी ना कभी उस गैर मर्द को भी धोखा देगी जिसके साथ अभी उसके संबंध चल रहे हैं। हर किसी को दिल में उतनी ही जगह दो जितनी वह तुम्हें देता है, वरना या तो तुम खुद रोओगे या फिर वह तुम्हें रुलाएगा। अमेरिका में हुए सर्वे के मुताबिक ज्यादातर पुरुष बेड पर सिर्फ 11 से 14 मिनट ही टिक पाते हैं, जिसकी वजह से महिलाओं को पूरी तरह से संतुष्टि नहीं मिल पाती है। माफी सिर्फ वही इंसान दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो, क्योंकि खोखले इंसान हमेशा बदले की आग में जलते रहते हैं। गर्भावस्था के दौरान ताजा अंजीर खाने से बच्चों के जन्म के बाद लंबे समय तक श्रम और कमजोरी में मदद मिलती है। साइकोलॉजी के अनुसार इंसान और डॉल्फिन विश्व की दो ऐसी प्रजातियां हैं जो शारीरिक और मानसिक आनंद के लिए शारीरिक संबंध बनाते हैं। अगर आपके सर में दर्द है तो फिर उसको दूर करने के लिए शारीरिक संबंध सही माना जाता है और यह दवाई से भी तेज काम करता है। मनोविज्ञान के अनुसार पत्नी के साथ रोमांटिक होने के लिए धूम्रपान की लत को छोड़ना बेहतर होता है, क्योंकि धूम्रपान सेक्स लाइफ को प्रभावित करता है। एक रिसर्च के दौरान यह पाया गया है कि हमारा शरीर रात को 3 से 4 बजे के बीच सबसे कमजोर हो जाता है, इसलिए ज्यादातर लोग इसी समय सोते हुए मर जाते हैं। यदि शारीरिक संबंध के बाद महिला 5 से 6 नीम के पत्ते खा लेती है तो धोखे से हुई प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। साइकोलॉजी के अनुसार जब कोई पुरुष या महिला प्यार में होता है तो वह कोकेन के समान नशा महसूस करता है। अगर आप अपना मोटापा घटाना चाहते हो तो सबसे आसान और बेहतरीन उपाय है महिलाओं के साथ देर तक शारीरिक संबंध बनाना, क्योंकि देर तक शारीरिक संबंध करने से कैलोरी बर्न होती है। साइकोलॉजी के अनुसार लड़कियां अपने दर्द को व्यक्त करने के लिए चुप हो जाती हैं। इसका मतलब जो महिला काफी चुप रहती हो तो आपको समझ जाना चाहिए वह बहुत गहरे दर्द में है। मनोविज्ञान के अनुसार अगर आप किसी औरत को अपने वश में करना चाहते हो तो उसके सारे शौक पूरे कर दो और उसे अपना पूरा टाइम दो। एक रिसर्च के अनुसार यह पाया गया है कि इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नियत बदल जाती है। साइकोलॉजी के अनुसार प्यार में पड़ने पर स्त्री और पुरुष के शरीर और दिमाग पर काफी अच्छा प्रभाव पड़ता है, जिससे उनके शरीर में विशेष प्रकार की चमक आती है और उनकी उम्र भी कुछ साल बढ़ जाती है। साइकोलॉजी के अनुसार गर्लफ्रेंड को बेबी बोलने पर उसके दिमाग पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, जिससे उसके दिमाग को तुरंत स्ट्रेस फ्री होने में मदद मिलती है। साइकोलॉजी के अनुसार सुबह सुबह अपनी बीवी को किस करने वाले लोग कम से कम 5 साल अधिक जी पाते हैं। अमेरिकी वैज्ञानिक के अनुसार अमरुद सेक्स पावर को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा फल माना जाता है, इसलिए सुबह सुबह अमरूद खाना चाहिए।
मनोविज्ञान के अनुसार प्यार की वजह से शरीर के हार्मोन में एक तरह की गड़बड़ी हो जाती है, जैसे कुछ हार्मोन्स का घट जाना या बढ़ जाना, जिसकी वजह से प्यार में पड़ा पुरुष जुनूनी हो जाता है। दोस्तों, रोमांटिक होना या रोमांटिक मूड में होना सभी को पसंद होता है, लेकिन क्या आप जानते हो जब आप रोमांटिक मूड में होते हो तो आपका दिमाग कम काम करता है, जिसका कुछ लोग गलत फायदा भी उठा लेते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार अगर कोई 3 सेकंड से ज्यादा आपसे नजरें मिला रहा है, या एक बार से ज्यादा तुम्हारी ओर देख रहा है, या बार बार देख रहा हो, तो उसे पता हो या ना हो, यह एक संकेत है कि वह आपको पसंद करता है। यदि आपको पेशाब में जलन हो रही है तो यह इस बात का प्रतीक है कि आपके शरीर में पानी की कमी हो गई है, इसलिए हमें पानी और तरल पदार्थ ज्यादा पीना चाहिए। एक रिसर्च के अनुसार 50% लोग विवाह तक कुंवारे रहना चाहते हैं, जबकि 49% लोगों का यह मानना है कि शादी से पहले शारीरिक संबंध का जितना हो सके उतना आनंद लेना चाहिए। अक्सर यह माना जाता है कि महिलाओं को शारीरिक संबंध के लिए उत्तेजित होने में कम से कम 20 मिनट का समय लगता है, परंतु पुरुष कुछ ही सेकंड में उत्तेजित हो जाते हैं। 99% महिलाएं अपने पति से कभी भी अपने पुराने जीवन में हुए कारनामों के बारे में कभी नहीं बता पाती हैं। लोग सिर्फ आपको 2 कर्म की वजह से पसंद करते हैं, पहले आप कितने सुंदर हो और दूसरा या फिर आप कितने कामयाब हो। बीवी को इज्जत देने वाले पति बीवी के गुलाम नहीं होते, बल्कि वह ऐसी माँ के बेटे होते हैं जिन्होंने औरत का सम्मान करना सिखाया है। जो महिलाएं सुंदर होती है वह सिर्फ उनकी सुंदरता तक ही आकर्षण का केंद्र बनी रहती है, लेकिन जिन महिलाओं का चरित्र अच्छा होता है वह हमेशा पुरुषों के लिए आकर्षित होती है। महिलाओं की सुंदरता केवल उनके शरीर से नहीं बल्कि उनके चरित्र से होती है। यदि आप निश्चित मात्रा में बियर का सेवन करते हैं तो इससे आपकी हड्डियां और दांत मजबूत होंगे, क्योंकि इसमें काफी मात्रा में सिलिकॉन पाया जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप बेवड़े बन जाएं। 98% पुरुष और 80% महिलाएं शारीरिक संबंध के दौरान अपने पार्टनर के बजाय किसी और के बारे में सोच रहे होते हैं। पीरियड शुरू होने से 4-5 दिन पहले ठंडी, खट्टी, बासी और जंक फूड खाना बंद करें। इन चीजों से ब्लड कैंप बनते हैं और दर्द भी अधिक होता है। मनोविज्ञान के अनुसार जो पुरुष शरीर से स्वस्थ होते हैं तो वह बिस्तर पर अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं और उनकी पत्नी भी उनसे खुश रहती है। दोस्तों, वीडियो को बनाने में लगी मेहनत का फल हमें लौटाने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हमें उम्मीद है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी मेहनत का फल हमें जरूर लौटाएंगे।